पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और महंगाई को लेकर रायगढ़ में शिवसेना ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। शिव सैनिकों ने बाइक और गैस सिलेंडर को रिक्शे में रखकर रैली निकाली है। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अग्रसेन चौक पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला भी फूका है। वहीं शिवसेना के जिला अध्यक्ष अमित विश्वास ने कहा है कि कच्चे तेल पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया गया है, जिससे पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण काल से ही अभी आम आदमी उभरा नहीं है कि मोदी सरकार हर महंगाई पर इतनी बढ़ा दी है कि आम आदमी परेशान है। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम कम न करने पर शिवसेना का आंदोलन जारी रहेगा। डीजल पेट्रोल और गैस के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसके कारण हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ में शिवसेना वाले हर जिले और माने विरोध कर रहे हैं और इसका आम जनता के ऊपर बहुत ज्यादा भार पड़ रहा है। जो आज माने डीजल पेट्रोल जो कच्चा तेल आता है माने बाहर से, उसका दाम लगभग लगभग 35-35 रुपए रहता है। उसको फिल्टर करके 38 रुपए करीब लीटर होता है, उसमें 60% करीब इसमें टैक्स लगा के 100 रुपए के दाम बिक रहा है। इसमें आम जनता को बहुत भारी पड़ रहा है। हम लोग केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री का पुतला दहन किए हैं और गैस सिलेंडर और बाइक को लेकर रिक्शा में हम लोग यहाँ पर केंद्रीय मंत्री का माने पेट्रोल मंत्री का पुतला दहन किया। आज जो हमने धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूका है, जो पेट्रोल और गैस का रेट में वृद्धि हुआ है, इतनी महंगाई हुई है कि जिसके कारण आम लोगों को बहुत ही परेशानी उठाने पड़ रहे हैं, जिसके विरोध में आज हम रायगढ़ शिवसेना द्वारा इनका पुतला दहन किया गया। हम लोग पेट्रोल गैस और डीजल के मूल्य वृद्धि के विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में शिवसेना के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी चरण में आज यहाँ रायगढ़ में हमने रिक्शा के ऊपर में बाइक रख करके, गैस का सिलेंडर रख करके, पैदल मार्च करके यहाँ आ करके पेट्रोलियम मंत्री का पुतला